नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश राज्य में मतगणना का दिन अब बेहद नजदीक है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और अब इंतजार नतीजों का जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश में वोट्स की गिनती से पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बालाघाट घटना के सुर्खियां बटोरने के बाद अब ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम की कड़ी सुरक्षा की जा रही है। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना से पहले जिला जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल खबर है कि जिला जेल में 72 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जिनसे स्ट्रॉन्ग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अंदर बाहर 200 से अधिक पुलिस जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है, जो कि अलग अलग शिफ्ट्स में पहरा दे रहे हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए लगभग 30 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे, लेकिन इस बार 42 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। बता दें कि बालाघाट मामले के बाद राज्य की जिला पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। बता दें कि मतगणना के दिन जिला जेल और तो और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से छावनी में बदल दिया जाएगा। खबर है कि 500 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। जेल रोड पर प्रवेश के लिए बने मुख्य द्वार से ही बैरिकेडिंग अब शुरू कर दी गई है। वहीं जेल के मुख्य द्वार पर भी पुख्ता बैरिकेडिंग के इंतजाम है। इसी के साथ अंदर जाने वाले व्यक्ति को केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र दिखाना होगा और तो और मौके पर मौजूद अधिकारी के मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में हर बार मतगणना के दौरान 14-14 टेबल्स लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार टेबलों का इंतजाम किया जाएगा। बहरहाल अब विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए भोपाल जिला जेल में तैयारियां पूरी तरह से संपूर्ण हैं। इस बार 72 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जिनसे स्ट्रॉन्ग रूम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।